निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक फरवरी 2014 में इस सदन में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने 82 सुझाव दिए थे, उसमें से 59 सुझाव को हमने इस मूल विधेयक में संशोधन के लिए स्वीकार किया है और इस विधेयक के माध्यम से हम निःशक्त जन व्यक्ति अधिकार को और ज़्यादा अधिकार देने जा रहे हैं। अभी तक निःशक्त जनों की 7 श्रेणियां हैं, इस विधेयक के पारित होने के बाद 21 श्रेणियां हो जाएगी और नाम नहीं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक दृष्टि से विकास के इसमें अनेक उपाय किए गए हैं। वैसे हमने इन 2.25 वर्षों में प्रयास किया है कि निःशक्त जन को सशक्तिकरण करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार सुगम्यता उपलब्ध कराई जाए। अभी तक हमने 4,959 कैंप आयोजित किए हैं, 5,80,000 लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण देना प्रारंभ किए हैं। बहुत सारी नई योजनाएं बनाई है जिसमें छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है, ब्लाइंड्स को पढ़ने के लिए ब्रेल भाषा और साथ में और सुविधाएं देने का तय किया है, संकेत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो सुनते नहीं है बोलते नहीं हैं उनकी शिक्षा के लिए एक संस्थान स्थापित किया है और इस विधेयक में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो निःशक्त जनों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त करेगी। मुझे खुशी है सदन इस पर बिना चर्चा के लिए इसको पारित करने के लिए तत्पर है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन भी करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इसको पारित किया जाए।